स्वागत है दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव करे में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी भगवत गीता वाली सीरीज। आज का टॉपिक है चैप्टर 12 भक्ति योग। तीन मुख्य बातें हैं जो मैं आज आपसे करूंगा इस चैप्टर के बारे में। पहला, क्या है इस चैप्टर की समरी। दूसरा, मेरा फेवरेट श्लोक कौन सा है इस चैप्टर से। और तीसरा, इस चैप्टर की इम्प्लीकेशन क्या है मॉडर्न डे लिविंग पर। तो चलो कूदें। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, इस चैप्टर की समरी क्या है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भक्ति क्या होती है। अब वैसे तो अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हमारा जो अल्टीमेट जो एम है वो है मोक्ष, मतलब मुक्ति प्राप्त करना, ये जीवन मरण का जो चक्र है उससे फ्री हो जाना। लेकिन भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो बंदा जिसने भी जो भक्ति योग में जो लीन है, भक्ति क्या है, भक्ति का मतलब है कंप्लीट सरेंडर। अब वो सरेंडर चाहे तो आप पूजा पाठ में कर रहे हैं, अपने काम में कर रहे हैं, या अपनी हॉबीज़ में कर रहे हैं, अपनी फैमिली में कर रहे हैं, वो आपके अलग अलग फॉर्म हैं वो पूजा करने के। बट भक्ति योग में जो व्यक्ति लीन हो गया एक बार, उसको मोक्ष की भी परवाह नहीं है, उसको किसी और की चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण जो संसार है उसमें चारों तरफ आठों डायरेक्शन में उसको सिर्फ कृष्ण और कृष्ण ही दिख रहे हैं। तो इतना आनंद वाला स्टेट है ये, इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना प्लेजर होता है कि व्यक्ति भूल जाता है उसके बाद कि मोक्ष उसकी प्राप्ति का जो उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है भी या नहीं, क्योंकि वो अपनी जो जर्नी है, जो काम जो कर रहा है, वो जिस प्रोसेस से वो जा रहा है उसको ही वो इतना इन्जॉय करने लगता है। और इसी को ही भक्ति योग कहते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। इस चैप्टर का मेरा जो फेवरेट श्लोक है वो क्या है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट गोज समथिंग लाइक दिस। संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय अर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्त समय प्रियः। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि जो व्यक्ति लाभ और हानि में, सुख में और दुख में जो स्टेबल रहता है, खुशी में ज़रूरत से ज़्यादा उफन नहीं जाता है, खुशी में जब निराश होता है तो इतना निराश नहीं हो जाता कि सब कुछ छोड़ देता है, इसी तरह का जो व्यक्ति है वो मुझे प्रिय है, मतलब कृष्ण को प्रिय है। पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं इसकी मॉडर्न डे लिविंग पर इम्प्लीकेशन क्या है। सो भगवान कृष्ण सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उसको इन्जॉय करो, उसको समझने की कोशिश करो। मतलब अगर कोई खुशी मिल गई तो ज़रूरत से ज़्यादा खुश मत हो जाओ, लाभ और हानि को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत रहो, सुख दुख को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान मत रहो। अगर ऐसा कर पाओगे, अगर स्टेबल रहोगे, तभी एक श्रेष्ठ पुरुष बन सकते हो, क्योंकि तभी तुम्हारे जो डिसीजंस होंगे लाइफ को वो क्लीन रहेंगे। उस समय ज़रूरत से ज़्यादा आपके दिमाग में खिचपिच नहीं रहेगी। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत खुश हो जाते हो या बहुत दुखी हो जाते हो, तो दोनों ही स्टेट में आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत होती है और आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया स्टेबल रहो, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसमें बह मत जाओ। सो दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव करे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट कर हमें बताइए और कौन से टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें इस सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।